हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आज आपके लिए ग्रामर में पंक्चुएशन लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम TGT, PGT और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की जब वीडियो मैं बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पंचुएशन। पंचुएशन का अगर हम बात करें तो पंचुएशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं। तो पंचुएशन का शाब्दिक अर्थ होता है विराम चिन्ह होता है, विराम चिन्ह होता है। तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ, पंचुएशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। पंचुएशन का शाब्दिक अर्थ विराम चिन्ह होता है। तो पंचुएशन का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। और अंग्रेजी भाषा में पंचुएशन मार्क्स के उचित प्रयोग ना होने से उसका अर्थ बदल जाता है। ये याद रखिएगा कि अगर पंचुएशन का हम सही यूज़ नहीं करेंगे तो वो इसके अर्थ बदल जाते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि आप पंचुएशन के उचित यूज़ को जानें। क्लियर हो गया होगा। और किस तरह से इसके जो प्रयुक्त होते हैं उसके पार्ट्स की अगर बात करें, तो पंचुएशन के पार्ट्स की बात करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं पंचुएशन, मोस्टली मैं उनको बता रहा हूँ आपको। तो इसके भाग की बात करते हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप इस तरह होता है, फुल स्टॉप। और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। और इसका जो मार्क्स होता है वो इस तरह लगाते हैं, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे हो जाएगा कॉमा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्पविराम, अल्पविराम। फिर इसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर में सेमी कॉलन, सेमी कॉलन में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धविराम, अर्धविराम। ये हो जाएगा आपका अर्धविराम। फिर आ जाते हैं फोर नंबर में कॉलन, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह, हिंदी में इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। फिर फाइव नंबर पे आ जाते हैं इंट्रोगेटिव मार्क, इसको हम बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, इसको वा समझिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह सिक्स नंबर में आ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स में आपका हो जाएगा
विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसको हम लोग इस तरह से साइन लगाएंगे और 7 नंबर पे आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा हाइफ़न। क्या हो जाएगा? हाइफ़न। और तो ये गाइस आपका हो जाएगा हाइफ़न, हाइफ़न का चिन्ह इस तरह लग जाएगा। और फिर आ जाते हैं 8 नंबर पे, 8 नंबर में फिर आ जाते हैं डैश। देखिए डैश डैश में आ जाते हैं तो डैश इस तरह से थोड़ा बड़ा होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर पर, 9 नंबर में आपका मिल जाएगा एपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर में, तो नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इसको बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। इस तरह से जिस तरह से आपने देखा होगा डैन डैट में लगे होते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। तो अब बात करते हैं इन 10 पार्ट को हमें पंचुएशन में देखना है। ये आपके आपके ईरर में आते हैं, तो इस पंचुएशन को में हमें इन 10 टॉपिकों को पढ़ना है और वन बाय वन मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, तो यूज ऑफ फुल स्टॉप। तो मैं आज आपको फुल स्टॉप की यूज बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखते हैं, तो पहला पॉइंट कहाँ पे ये यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं असर्टिव तथा इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं किस तरह से, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोहन इज अ स्टूडेंट, और या किसी ने बोल दिया है, ये हो गया असर्टिव का एग्जांपल। और एक देखते हैं इम्परेटिव का एग्जांपल। इम्परेटिव का एग्जांपल हो जाएगा जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इस तरह हम फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल रूल देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड एब्रिवेशन में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगर एब्रिवेशन फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करेंगे। एब्रिवेशन मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म में बोले जाते हैं ना, जैसे कि आपने बोल दिया बीए,
तो देखिए बैचलर ऑफ आर्ट हो गया शॉर्टकट में। सेकंड नंबर पे किसी का नाम आ जाए, या जैसे मान लो किसी का नाम आ जाए इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में एस के सिंह, ठीक है, या कोई स्टेट आ जाए, ठीक है, एमपी, ठीक है, यूपी, ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिख दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्रिवेशन फॉर्म। तो एब्रिवेशन फॉर्म में अगर कोई चीज़ यूज हो रहा है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह, तो ये याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट रूल, कोई अमाउंट या फिर कोई टाइम को सूचित करने वाले फिगर्स में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किस तरह से देखते हैं एग्जांपल, अगर कोई रुपए दे दिया गया है 10, 50, या फिर कोई टाइम दे दिया गया है AM, तो इस तरह से ये टाइम में यूज़ हो जाता है। तो फुल स्टॉप का बेसिक आपके लिए इतना पर्याप्त है। इस तरह से आपका ये फुल स्टॉप का रूल हो गया है। अब मैं आपको अपने सेकंड पार्ट में आ जाता हूँ इसका, और इसका सेकंड पार्ट है आपका यूज ऑफ कॉमा। तो किस तरह कॉमा का यूज़ करते हैं इस पे आ जाते हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट रूल पर, और ये कॉमा आपका ये काफ़ी रूल है, तो ये एक बड़ा पार्ट आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं, तीन या तीन से अधिक एक ही तरह के वर्ड्स का प्रयोग किसी वाक्य में हो तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कि दे दिया गया राम, श्याम, महेश एंड सुरेश आर आर गुड बॉय आर गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए ये नाम थे, तीनों वर्ड नाम ही थे, तो देखिए लास्ट वाले में क्या लगाएंगे, एंड राम कॉमा श्याम कॉमा महेश एंड सुरेश, तो यही इरर आ जाएगी। हो सकता है कि एंड आपको यहाँ स्टार्टिंग में लगा दें, राम एंड इधर कर दें, तो आप समझिए शुरुआत के जो वर्ड आएंगे उनमें कॉमा लगाते हैं और लास्ट वाले में क्या लगाएंगे, एंड, इस तरह की आपको स्टेक मिल जाएगी। तो लास्ट वाले में हम लोग एंड जोड़ते हैं सदैव,
याद रखिए, कोई से भी ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो लास्ट वाले में एंड जोड़ेंगे। बस इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो ज़्यादा एग्जांपल मैं नहीं दूंगा क्योंकि नहीं तो ये काफ़ी लंबा पार्ट है आपका ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा एंड और नॉर नॉट ओनली डैड डैश बट आल्सो या फिर इधर और इधर डैड डैश और या फिर नीदर डैश डैश नॉर एज वेल एज कॉमा एंड नॉट आज से जुड़े शब्दों के बीच कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड कॉमा और या फिर नॉर या फिर नॉट ओनली डैड डैश बट आल्सो इधर और नीदर नॉर एज वेल एज एंड नॉट आज से अगर शब्द जुड़े हों तो उनके बीच कॉमा का यूज़ नहीं होता है। देखते हैं इसके एग्जांपल को, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। इधर मोहन आर सोहन वाज गिल्टी। तो देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन आप पास आएगा, तो इधर मोहन आर सोहन वाज गिल्टी। तो इसमें अगर गलती करेंगे तो कहाँ करेंगे, गलती यहाँ कर देंगे, कॉमा लगा देंगे मोहन के बाद, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाए, गलत। इधर मोहन कॉमा लगा देंगे फिर आर सोहन वाज गिल्टी, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या माना जाएगा, इरर माना जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड कि नाउन इन अपोजिशन 9 अपोजिशन के केस में कॉमा का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखते हैं, तो मिस्टर जेके शर्मा, जेके शर्मा फिर लगा दिया यहाँ पर, जो कि द डीएसपी फिर कॉमा इज माई अंकल। देख लीजिए ये केस एन अपोजिशन होता है, यानी प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग उसी सब्जेक्ट को दोबारा डिनोट करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, केस एन अपोजिशन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाउन केस अपोजिशन होता है। तो यहाँ पर जब भी नाउन आएगा केस एन अपोजिशन, यानी उसी की चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, कॉमा, यानी कि जो मिस्टर जे के मिश्रा हैं वही क्या हैं, डीएसपी हैं। तो जब वही चीज़ दोबारा रिपीट होती है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नाउन अपोजिशन का। तो यहाँ पर कॉमा लगाकर उसको अलग करते हैं इस तरह से, दोनों सब्जेक्ट सेम होते हैं उसी सब्जेक्ट को दोबारा बताते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इन अपोजिशन केस। ये आपको सिंथेसिस में आपको मिल जाएगा, सिंपल के पार्ट में ये वहीं पे ये रूल का है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4
किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ड्स ऑफ एड्रेस के पहले तथा बाद में फॉर्म का प्रयोग होता है। ही कॉमा माई ब्रदर इज अ वेरी लेजी स्टूडेंट। इस तरह से तो किसी भी सेंटेंस में तो वर्ड ऑफ एड्रेसिंग करने के पहले या बाद में कॉमा का यूज़ हम करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाए। वीना आई कांट गो टू द सिनेमा विथ यू। दो एग्जांपल हो गए। इसके आते हैं पॉइंट फाइव पर। किसी सेंटेंस में प्रयुक्त एडवर्ब या फ्रेजेस या क्लॉजेस के पहले तथा बाद में कॉमा का प्रयोग होता है। मुकेश आफ्टर ऑल इज माय ब्रदर। ब्रदर इन लॉ। तो इस तरह से किसी सेंटेंस पर एडवर्ब या फ्रेजेस क्लॉज के पहले या बाद में कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए आफ्टर ऑल एक फ्रेज है तो देखिए मुकेश आफ्टर ऑल कॉमा कह रहे हैं इज़ माई ब्रदर इन लॉ। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। माई मदर और इस तरह से क्या आ गया है देयर फॉर मिस क्या होता है अतः। एक आपका क्लॉज है और फिर इसके बाद क्या लगाया है डिड नॉट गिव हिम अ पेन। तो इस तरह से आपने देखिया यहाँ पे क्या मिल गया आपको देयर फॉर। तो इसके पहले मैंने क्या लगा दिया इस वजह से कॉमा लगा दिया। यहाँ आफ्टर ऑल आ गया तो पहले लगाएं और यहाँ पर बाद में क्लॉज मिल जाएगा तो पहले बाद दोनों जगह लगाएंगे। तो यहाँ पे भी देख लीजिए एक यहाँ पे पहले भी लग गया है और बाद में लग गया है तो पहले तथा बाद में आप कॉमा का यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसकी वजह से आया है आपको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यस तथा नो के बाद यस तथा नो के बाद किसी किसी वाक्य का प्रयोग हो
तो यस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नो आई कॉन्ट सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभिवादन तथा अभिवादन तथा आप जब भी क्या यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद प्रयुक्त प्रयुक्त एक्सप्रेशंस के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। किस तरह से तो देख लीजिए, अभिवादन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डियर फ्रेंड्स कॉमा लगा देंगे, और या फिर हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड अंकल, फिर कॉमा लगा देंगे, और लास्ट में हम लोग किस तरह बोलते हैं, योर्स फैक्टफुली, या फिर योर्स योर ओबीडिएंटली। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। कॉमा का प्रयोग होता है। तो प्रिंसिपल क्लाज में क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस टैग के आ चुके हैं, जैसे कि देखिए, सी डज नॉट लव मी। तो यहाँ क्वेश्चन टैग यहाँ से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या लगा दी, कॉमा। क्या लिख दिया, डज सी, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो जब भी आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस जब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। इस तरह से एक ही सेंटेंस दे रहा हूँ। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। आते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन सेड, फिर लगा दिया कॉमा इनवर्ट कॉमा, डोंट मेक अ नॉइस। तो इस तरह का ये सेंटेंस हुआ। तो देख लीजिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इधर वाला, और ये सेंटेंस आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इनको अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज किए हैं, कॉमा का, इस तरह। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जब किसी सेंटेंस में एक ही शब्द को दोहराया जाता है तो उसके बीच कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे कम टेक योर सीट, कम टेक योर सीट। देखिए कम वर्ड रिपीट हुआ है, यहाँ भी कॉमा लगा है और यहाँ भी कॉमा लगा है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको बोलते हैं एडवर्ब टू का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में होने पर कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब टू को सेंटेंस में अलग दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। किस तरह से आते हैं इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे वीना
टू लव्स मी वेरी मच। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी व्यक्ति के नाम तथा उसके पद उपाधियों के बीच कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर ठाकुर कॉमा एम ए इज़ आवर क्लास टीचर। तो यहाँ देखिए उपाधि दी जा रही है एम ए, तो किसी व्यक्ति के नाम और उसके पद या उपाधि के बीच, ये व्यक्ति का आपका नाम हो गया और ये उसकी उपाधि हो गई, तो इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तारीख लिखने में भी कॉमा का प्रयोग होता है। कॉमा का प्रयोग होता है किस तरह से, मार्च 5, 2002, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मार्च, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दें 2002। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी सेंटेंस में वर्ब का लोप होता है। यहाँ वर्ब का लोप होता है तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल किस तरह। सी लाइक्स मीट, आई चिकन। इस तरह से। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्रेजेस को अलग दिखाने के लिए
सिखाने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए, इफ़ यू कम हेयर आई सेल टीच यू नो। तो ये आपका इफ़ लगा है, ये आपका शर्त वाला क्लॉज है, और ये आपका कंडीशन वाला क्लॉज है। इसमें आपको क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है, और उसमें उसका वो दिया है कि इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आती हो तो आई सेल टीच यू। तो यहाँ पे ये क्या लगा है, आपका क्लॉज लगा है। तो एक क्लॉज लगा है, तो दोबारा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर पे आते हैं, नॉन डेफिनेटिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले तथा बाद में कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज राहुल हु इज लिविंग इन और ये इस कॉमा का ये लास्ट रूल है हमारा, क्लॉजेस को अलग दिखाने के लिए भी I went, I came out। तो इस तरह से देखिए, क्लास को अलग दिखाने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। किस तरह से, एक ये आई वेंट, आई टॉट, आई केम आउट, ये तीनों अलग अलग थे, इनको अलग अलग क्लास दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया है। तो इस तरह ये आपका कॉमा पार्ट ख़त्म हो गया है। तो पंचुएशन को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और 10 में से 2 पार्ट मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट ये जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइज़।